हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। टुडेज़ टॉपिक इज़ अ अरवो वायरस। अरवो वायरस में आज हम डिस्कस करेंगे इसके पैथोजेनेसिस, प्रॉपर्टीज, क्लिनिकल फीचर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक अरवो वायरस से। तो ये क्या होता है कि ये आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ होती है, ये आर्थ्रोपोड से ही ट्रांसमिट होती है। आर्थ्रोपोड इसमें वैक्टर का काम करते हैं, ठीक है, वेक्टर का काम करते हैं। तो ये एक जो अरवो वायरस है वो एक डाइवर्स ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप है पूरा आरएनए वायरस का। आरएनए वायरस का एक ग्रुप है जो कि ट्रांसमिट होता है, जो कि ट्रांसमिट होता है वेक्टर से, फ्रॉम द वेक्टर टू होस्ट, ठीक है। जो वेक्टर जो होता है वो आर्थ्रोपोड होते हैं, और जो होस्ट होता है वो वर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं, और वो इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो वो होता है, जो ग्रुप होता है आरएनए वायरस का, आरएनए वायरस का ग्रुप, मतलब हम कैसे कहेंगे, ये जो अरवो वायरस है, अरवो वायरस की मतलब फैमिलीज़ होती हैं। फैमिलीज़, जीनस और स्पीशीज़ आपने देखी होंगी। तो फैमिलीज़ में ग्रुप आते हैं, मतलब फैमिलीज़ में बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं उनकी स्पीशीज़ में। तो जैसे कि हो गया चिकनगुनिया वायरस, जैसे टोगो वायरेडी में हो गया चिकनगुनिया वायरस हो गया, और इंसेफेलाइटिस वायरस, मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न इंसेफेलाइटिस वायरस हो गए। तो ये सब उसमें आ जाते हैं, ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे डेंगू वायरस हो गया, तो ये फ्लेविवायरिडी में आता है। तो ये पूरा एक ग्रुप होता है जो कि होता है, मतलब आरएनए कंटेनिंग वायरस, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है इसका, आरएनए वायरस होते हैं सारे के सारे, जो भी इस ग्रुप में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे आरएनए वायरस होते हैं। ये एक ब्लड सकिंग आर्थ्रोपॉड होते हैं, मतलब ये ब्लड सक करके ये एक दूसरे में वायरस ट्रांसफ़र करते हैं, होस्ट में, मतलब होस्ट में ये वायरस ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके, जैसे कि मॉस्किटो हो गया और इसका हो गया टिक्स, ठीक है। तो जो ये वेक्टर वगैरह होते हैं, इंसेक्ट जो वेक्टर होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट कहाँ, मतलब वेक्टर में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे कि इंसेक्ट। अब इंसेक्ट है तो इंसेक्ट आर्थ्रोपोड में आते हैं, आर्थ्रोपोड तो हम इसको आर्थ्रोपोड भी कह सकते हैं, ठीक है। वेक्टर्स में हम इसको आर्थ्रोपोड कहें चाहे इंसेक्ट कहें, वो सारे के सारे वो एक ही में आ जाता है। तो जो वेक्टर होगा वो इंसेक्ट या आर्थोपोड होगा, जो कि डिसीज़ ट्रांसफ़र करेगा, जो कि वायरस ट्रांसफ़र करेगा एक दूसरे में, होस्ट में। तो इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि ये जो अरवो वायरसेस हैं सारे के सारे, वो वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं वेक्टर की हेल्प से। तो हम इसमें एक चीज़ देख लेते हैं कि तो मतलब ओवरऑल हमने क्या, इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, कि जो वायरस है, वायरस जो है वो वेक्टर में जा रहा है। जैसे कि आप डेंगू वायरस ले लीजिए, फॉर एग्जांपल डेंगू वायरस है, चिकनगुनिया वायरस, जो भी वायरसेस हैं, ठीक है, जो भी वायरसेस हैं वो वेक्टर में जा रहे हैं और वो होस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मली एक साइकिल देखी होगी। तो इसमें जो वायरसेस हैं, वायरस जो कि अरवो वायरस में जो कि आरएनए कंटेनिंग होते हैं, आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं, और क्या होता है कि वो, उसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि डेंगू और चिकनगुनिया। तो ये आर्थ्रोपोड, अब वेक्टर में हम देखते हैं, वेक्टर में क्या होता है, जो वेक्टर्स होते हैं वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं। आर्थ्रोपोड्स मतलब इंसेक्ट, उसमें जो मेन रोल होता है उसमें इंसेक्ट का होता है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स में भी इंसेक्ट का जो मेन रोल होता है, ठीक है। और होस्ट में जो हम देखेंगे, होस्ट में जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं और वो इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरी साइकिल चलती है। तो ये अब हम देखते हैं कि मतलब इसके थोड़े डेटा देख लेते हैं, कहाँ कहाँ मिलता है, मतलब कम से कम 500 आर्थ्रोपोड्स हमको मिल, मतलब इन्फेक्शन कॉज करते हैं वर्टिब्रेट्स में। 500 आर्थ्रोपोड्स वर्टिब्रेट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसमें से 100, मोर देन 100 इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को, है ना, ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। और इंडिया में 40 अरवो वायरस ऐसे हैं जो कि डिटेक्ट किए गए हैं, और 10 वायरसेस ऐसे हैं जो कि ह्यूमन डिजीज करते हैं,
ठीक है, 10 अरबोवायरस ऐसे हैं जो कि ह्यूमन डिजीज़ करते हैं। तो सॉरी, मतलब वो मैंने देख नहीं पाया, तो एक और बार फिर तो बोल देते हैं कि वो 500 आर्थ्रोपोड्स हमको हमने ऐसे देखे हैं जो कि वर्टिब्रेट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और मोर देन 100 वायरसेस ह्यूमन ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब एक वो वर्टिब्रेट भी होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं, आपने वो भी देखे होंगे। तो मोर देन 100, तो मतलब वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि हमें बहुत सारी वो देखने को मिलते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, तो ये सारे के सारे हमको देखने को मिलते हैं। तो मोस्टली मोर देन 100 जो वायरसेस होते हैं वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। और इंडिया में जो मिले हैं 40 अरब वायरस डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें से कि 10 वायरस ह्यूमन डिजीज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि मतलब वही पहले का जो देखा जाएगा कि सारे आरएनए वायरस होते हैं। साइज़ होता है इसका 40 to 100 नैनोमीटर, और स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल होते हैं शेप में। ठीक है, और ये आर्थ्रोपोड में मल्टीप्लाई करते हैं, और टिक्स जैसे कि टिक्स और मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटोज़ में देखा जाता है ये, है ना। तो ये होता है, और इसमें जो आरएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस एक ब्लड सकिंग आर्थोपोड से ट्रांसमिट होता है, जिसको हम वेक्टर कहते हैं, और वो वन वर्टिब्रेट से अदर वर्टिब्रेट्स में जाता है। अब इसमें माइस जो होता है, माइस की अगर हम बात करें तो जो आइसोलेशन प्रोसेस के लिए जब हम वायरस का आइसोलेशन करते हैं, तो उसमें जनरली माइस माइस को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये रिसर्च पर्पज जो आइसोलेशन होता है वो रिसर्च पर्पजेज़ के लिए होता है। और आप ये तो जानते ही होंगे कि, है ना, माइस को कितना एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें ये हीट लेवाइल होता है, तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। हीट लेवाइल का मतलब होता है कि ये मतलब हीट से ये हीट लवर होता है। अगर इसको हीट मिलेगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये रूम टेम्परेचर पे तो इनएक्टिवेट रहता है, अगर इसको 70 डिग्री तक का टेम्परेचर मिलेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में हम देखेंगे वेक्टर जो होता है वो वर्टिब्रेट्स को बाइट करेगा, है ना। वेक्टर में मतलब आप मान लीजिए, वेक्टर में मॉस्किटो मान लीजिए, और वर्टिब्रेट्स मान लीजिए आप ह्यूमन को। ठीक है, तो वेक्टर्स में ये जो वेक्टर्स जाएंगे वो ह्यूमन को बाइट करेंगे, और फिर ये वहाँ पे ब्लड में ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ब्लड में ये मल्टीप्लाई करेंगे, बॉडी में मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो फिर उसको जिसको हम वायरेमिया कहते हैं, तो वायरेमिया क्या होता है कि वायरस जो होते हैं वो ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम वायरेमिया बोलते हैं। और फिर जो वायरस है ब्लड से वो टारगेट ऑर्गन पे जाएंगे। टारगेट ऑर्गन मतलब, जैसे अगर वो सीएनएस पे जाता है तो वो इंसेफ्लाइटिस कॉज करता है, अगर वो लिवर पे जाता है तो वो येलो फीवर कॉज करेगा, और अगर वो कैपिलरी एंडोथीलियम में अगर रह जाता है तो एक्ट करेगा, तो फिर वो वहाँ पर हेमरेजिक फीवर कॉज करेगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में तो वही है कि वेक्टर वेक्टर आके ह्यूमन को बाइट करेगा, होस्ट को बाइट करेगा, और फिर वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करेगा ब्लड में मल्टीप्लाई करके वो टारगेट ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, और इसमें फिर देखते हैं कि ये वायरस जो है वो वर्टिब्रेट्स को भी इन्फेक्ट करता है, इनवर्टिब्रेट्स को भी इन्फेक्ट करता है। ये वर्टिब्रेट्स में वायरेमिया इनिशिएट करता है, मतलब वायरेमिया से इनिशिएट होता है, और ये इनवर्टिब्रेट्स में जो सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन करता है। अब ये है कि विंटर में जब इसकी साइकिल नहीं चल रही होती तो ये वायरस के एग में ही रहता है, या फिर ये माइग्रेट कर जाता है बर्ड के थ्रू। ठीक है, बात अब इसकी एक साइकिल देख लेते हैं। दो दो तरीके की साइकिल होती हैं, दैट इज सिल्वेटिक साइकिल और अर्बन साइकिल। सिल्वेटिक साइकिल जो होती है वो जंगल में होती है, और अर्बन साइकिल जो होती है वो अर्बन एरियाज में होती है। ठीक है, तो सिल्वेटिक साइकिल्स में हमको देखने को मिलता है कि जो वायरस है वो मंकी से आर्थोपोड्स में जाता है, आर्थोपोड से ह्यूमन में जाता है, तो हमको ये साइकिल देखने को मिलती है। अर्बन एरियाज में हम देखते हैं कि ह्यूमन से आर्थोपोड में, फिर ह्यूमन में। तो जैसे कि अब मॉस्किट
मॉस्किटो ले लीजिए यहाँ पे आर्थ्रोपोड, तो वो ह्यूमन को बाइट करेगा, फिर वो ह्यूमन से फिर वो आर्थ्रोपोड में जाएगी, फिर वो ह्यूमन में जाएगी, फिर वो नेक्स्ट नेक्स्ट होस्ट देखेगा तो वो वहाँ पे उसको ट्रांसमिट कर देगा जो वायरसेस हैं। तो ट्रांसमिशन साइकिल देखते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमने दो तरीके की साइकिल देखी, एक तो मंकी आर्थ्रोपोड ह्यूमन वाली और एक ह्यूमन आर्थ्रोपोड ह्यूमन वाली। ठीक है, ये ह्यूमन मतलब आर्थ्रोपोड मतलब आप वेक्टर्स लेके देख लीजिए और ह्यूमन को आप होस्ट मान के देख लीजिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसमिशन साइकिल में तो हम ये देखते हैं मैन आर्थ्रोपोड मैन वाली साइकिल, तो ये हुई जो कि अर्बन एरियाज में होती है, जो कि डेंगू में देखी जाती है, जो हमें डेंगू वाली बीमारी होती है हम उसमें ये देखते हैं। और इसमें जो कि होस्ट होता है वो मैन होता है और जो वेक्टर होता है वो आर्थ्रोपोड होता है। आर्थ्रोपोड ये वाली साइकिल हमको डेंगू फीवर और येलो फीवर में देखने को मिलती है। अब हम ये वाली साइकिल एनिमल आर्थ्रोपोड मैन वाली साइकिल हम देखते हैं कि वैसे तो ये जनरली जनरली इसमें ही चल रही होती है, मॉस्किटो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मॉस्किटो और पिक का, तो ये जनरली इसी में चल रही होती है, मॉस्किटो और पिक में ये ट्रांसमिट होती रहती है, लेकिन कभी कभी अगर मॉस्किटो बाइट कर ले मैन को तो ये उसमें भी ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस तरीके से इसकी हमें ट्रांसमिशन साइकिल देखने को मिलती है। तो देखते हैं हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम देखें तो जो फीवर है, फीवर, सीवर, जॉइंट पेन और एर्थ्रेल्जिया, ये हमको मोस्टली देखने को मिलता है। ये तो मेन है ही कि ये तो हमें इसके फीचर्स मिलेंगे मिलेंगे। बाकी में हमको लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है, मैक्यूलो पैपुलर रैश देखने को मिलते हैं, रैशेज देखने को मिलते हैं, और इंसेफलाइटिस और हेमरेजिक फीवर देखने को मिलता है। लिम्फेडिनोपैथी क्या होता है कि जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो साइज में हमें अबनॉर्मल मिलती हैं, कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा और मैक्यूलो पैपुलर रैश जो होते हैं वो लिजन होते हैं, स्किन लिजन होते हैं, या तो वो फ्लैट होंगे जैसे अब ये स्किन हो गई, तो या तो वो फ्लैट होंगे या फिर रेज्ड होंगे, है ना। तो ऐसे करके हमें ये रैशेस देखने को मिलते हैं। इंसेफलाइटिस में देखें तो वो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जो कि वायरस की वजह से होता है, और हेमरेजिक फीवर देखने को मिलता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे और जो ये जो वायरस डिफरेंट डिसीजेस कॉज करते हैं जैसे कि इंसेफलाइटिस, डेंगू, यही सब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट और हम इसका एक जो लेक्चर है लैब डायग्नोसिस वाला, हम उसको अपलोड कर चुके हैं, अगर आपको वो देखना हो तो आप लैब डायग्नोसिस पढ़नी हो आपको तो इसकी आप लैब डायग्नोसिस भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ अ लैब डायग्नोसिस ऑफ द अर्बोवायरल इन्फेक्शन। तो इसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो वायरल इनोकुलेशन होता है, एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो वायरल इनोकुलेशन ये हम केवल रिसर्च पर्पसेस के लिए करते हैं, और ये जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है ये हम डायग्नोसिस के पर्पसेस के लिए करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं इसमें। ठीक है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, मतलब हम इसे डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें देखें तो स्पेसिमेन कलेक्शन हम किस किस का करते हैं, इसे ब्लड हो गया और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गया, तो हम इसका स्पेसिमेन मतलब सैंपल कलेक्शन करते हैं। तो इसमें हमें एडल्ट और लार्वा मॉस्किटो इनोकुलेशन देखने को मिलता है, मॉस्किटो सेल लाइंस में इनोकुलेशन देखने को मिलता है, वेरो सेल लाइन वो सॉरी मेमेलियन सेल लाइन और इंट्रासेरिब्रल इनोकुलेशन। तो इसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि एडल्ट और लार्वल मॉस्किटो इनोकुलेशन में ये एक सेंसिटिव कल्चर होता है, ये एक सेंसिटिव कल्चर होता है, ये रिसर्च पर्पसेस के लिए इसको किया जाता है, और जो रिसर्च पर्पसेस के लिए बेस्ट मॉस्किटो होता है उस वो कौन सा मॉस्किटो होता है, डैट इज़ टॉक्सोरिंकाइटिस मॉस्किटो। हम इसको रिसर्च पर्पसेस के लिए बेस्ट बेस्ट मॉस्किटो मानते हैं। और भी होते हैं जैसे ये एडीज एजिप्टाई और एडीज एल्वोपेक्टिकस, ये सब होते हैं, तो उसको भी हम लेते हैं, लेकिन बेस्ट जो होता है हम इसको मानते हैं। ठीक है, तो मॉस्किटो सेल लाइंस में अगर हम बात करें तो मॉस्किटो सेल लाइंस में क्या होता है, मतलब सेल लाइंस हम इसको मॉस्किटो से भी इनोकुलेट कर सकते हैं, हम इसको सेल लाइन से भी आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉस्किटो सेल लाइंस में कौन कौन सी सेल लाइन, जैसे एक दो के नाम होते हैं जैसे कि C6 हो गया या फिर सी
36 सेल लाइन हो गई, ठीक है, तो ये होता है। और अगर हम मेमेलियन सेल लाइन में, आपने सुना होगा वेरो सेल लाइंस होती है, ठीक है, इंट्रा सेरिब्रल इनोकुलेशन, ये लीज सेंसिटिव होता है। तो इसमें यही है कि मतलब हम इसको देखिए, एक होता है कि डिटेल में सब चीज़ पढ़ना, तो डिटेल में तो इसकी जो एक हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे कि ये कैसे मतलब सारा का सारा, जैसे एंटीजन टेस्ट में क्या होता है, जैसे एलाइजा वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, तो वो सारे के सारे टेस्ट वो हम एक डिटेल में वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर शॉर्ट में कि क्या क्या होता है, जैसे अब हम रिसर्च पर्पजेज़ के लिए कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे हम इनोकुलेट करते हैं मतलब मॉस्किटो सेल लाइंस का सेल लाइंस लेते हैं, और मैमिलियन सेल लाइंस में भी कर सकते हैं, ठीक है, कल्चर। तो ऐसे ही मतलब हम इसको यहाँ पे शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। तो सीरोलॉजी में सीरोलॉजिकल टेस्ट अगर हम देखें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ये, और इसमें एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन होता है, मॉलिकुलर मेथड होते हैं, एंटीजन डिटेक्शन और ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंटीजन डिटेक्शन में होता है कि हम इसको ब्लड में भी डिटेक्ट कर सकते हैं, हम इसको टिश्यू में भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो टिश्यू बात करते हैं, ब्लड और टिश्यू दोनों को ही कंपेयर करके चलते हैं। तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में ये होता है ग्रुप वो सॉरी सीरोटाइप स्पेसिफिक एंटीजन, हम इसको सीरोटाइप भी बोल सकते हैं, सीरोटाइप स्पेसिफिक एंटीजन, और ये होता है ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन। तो इसमें ये होता है कि सीरोटाइप मतलब सीरोटाइप जैसे जैसे हम फैमिलीज पढ़ते हैं टोगोवायरिडी और ये सब फ्लेविवायरिडी, तो उसमें जैसे फ्लेविवायरिडी में आप डेंगू पढ़ते होंगे, तो हम इसमें केवल डेंगू स्पेसिफिक मतलब हम एक ही चीज़ को मतलब एक पर्टिकुलर वायरस को जिससे वो कॉज हो रहा है तो हम उसको उसका वो करते हैं मतलब एंटीजन टेस्ट करते हैं। और उसमें स्पेशली नॉन स्ट्रक्चरल वन एंटीजन होता है इसका, ठीक है। और टिश्यू में अगर हम बात करें तो ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन होता है, जैसे कि हम पूरी फैमिली की बात करें, जैसे कि या तो टोगो वायरस हो गया या पूरा फ्लेवी वायरस हो गया, तो ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन का मतलब ये हो गया, ये ब्लड में डिटेक्ट होता है और ये पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइट में डिटेक्ट होता है, ठीक है। इसके जो ये मतलब कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एलाइजा टेस्ट होता है, आईसीटी होता है, आईसीटी मतलब इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट होता है, और इसमें अगर हम बात करें तो डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट होता है, एविडिन बायोटिन एंजाइम होता है, ठीक है। तो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट क्या होता है कि इसमें हम आईजी और आईजीएम को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट होता है आईजी और आईजीएम को ये डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। और इसमें तो यही है कि डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस, ये सारे के सारे जो टेस्ट होंगे वो एक हम डिटेल में वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अभी तो यहाँ पे केवल हम नाम जान लेते हैं, और अगर इनको डिटेल में पढ़ना है तो हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाइडली अवेलेबल होता है और ये वाइडली अवेलेबल नहीं होता, मतलब ये हमें हर जगह नहीं मिलता, ये हम हर जगह करा सकते हैं। तो अब हमने एंटीबॉडी डिटेक्शन पढ़ लिया, एंटीजन डिटेक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन में हम देखते हैं कि हम एलाइजा टेस्ट करते हैं, मतलब जो कि वाइडली यूज मेथड होते हैं। तो एलाइजा होता है, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट होता है, आईसीटी का मतलब हो गया इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, और इसमें ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हो गया, डेट इज CFT, और हीमो एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट हो गया, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट हो गया। तो ये दोनों तो हम बहुत ज़्यादा मतलब ये तो हो गए कि ये न्यू ईयर मेथड हो गया, मतलब ये अब मतलब ज़्यादा यूज़ होते हैं ये, अब ये मतलब नए तरीके से न्यू ईयर मेथड हो गए। तो और ये हो गया ओल्डर मेथड। तो अब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस में यही है कि ये जो सारे टेस्ट होते हैं वो बहुत चीप होते हैं, मतलब लो कॉस्ट होती है इनकी, बेस्ट मेथड होते हैं, और मतलब परफॉर्म हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, और ये
सबसे ज़्यादा अरवोवायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। डिसएडवांटेज में यही है कि केवल IgG बेस्ड ऐसे है और ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता रिसेंट और पास्ट इन्फेक्शन। देखिए, और थर्ड वन है मॉलिक्यूलर मेथड। मॉलिक्यूलर मेथड में हम कौन सा टेस्ट करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR और रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, जिसको हम RT-PCR भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR में क्या होता है कि हमें इससे पता चलता है कि जो हम स्पेसिमन लेते हैं उसमें कौन से टाइप का RNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब कौन से वायरस का RNA, मतलब हमें टाइप ऑफ RNA पता चलती है कि जो हमने सैंपल लिया है उसमें कौन से वायरस का RNA है, मतलब RNA पता चलती है। ठीक है, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR में क्या होता है कि इसमें हमें पता चलती है कि ब्लड में वायरल लोड कितना है। ठीक है, वायरल लोड पता चलती है, ब्लड में जो वायरल लोड है उसका पता चलता है। अब वो इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में रैपिड टेस्ट होता है, मतलब एडवांटेजेस जो हैं कि ये जो होता है, ये जो टेस्ट होते हैं ये रैपिड होते हैं, मतलब बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये सीरोटाइप स्पेसिफिक होते हैं। सीरोटाइप स्पेसिफिक मैं आपको थोड़ी देर पहले बता ही चुकी हूँ। और डिसएडवांटेज में ये कॉस्टली होते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होते और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो कंटामिनेटेड भी हो सकता है, तो ये कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी निकाल सकता है। तो गाइज, आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी का पार्ट हम कल परसों में अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो लेक्चर है ये हमारा थर्ड लेक्चर है अरवो वायरस पर। तो आज के टॉपिक में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें सारा ट्रांसमिशन साइकिल्स की प्रॉपर्टीज सब एक्सप्लेन कर दिया था। सेकंड लेक्चर में हमने लैब डायग्नोसिस एक्सप्लेन कर दी थी और इस लेक्चर में हम इसका क्लासिफिकेशन और जो वायरस पर्टिकुलर डिसीज़ कॉज करते हैं हम इसमें वो देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर में बेसिकली समझाने के लिए कुछ नहीं है, बट आज का जो लेक्चर है वो सिंप्लीफाई करने के लिए है कि अरवो वायरस है वो उसकी कितनी फैमिलीज होती हैं और जो फैमिलीज में कौन कौन से वायरसेस आते हैं और जिनकी जो जिन वायरस को मतलब और वो वायरस कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं, कहाँ रहते हैं, वेक्टर क्या होता है, होस्ट क्या होता है, तो वो सब उसका एक कंपाइलेशन उसका एक चार्ट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में और जो हम इसकी डिसीज़ जो ये वायरस पर्टिकुलर जो डिसीज़ कॉज करते हैं, जैसे डेंगू वायरस डेंगू कॉज करता है, तो उसको हम एक पर्टिकुलर एक लेक्चर अपलोड करेंगे इंसेफेलाइटिस पे, डेंगू वायरस पे और येलो फीवर पे, चिकनगुनिया वायरस पे, तो सबके सब एक पर्टिकुलर लेक्चर आएंगे। तो इस लेक्चर में ये भी सिंप्लीफाई किया गया है कि एक ही डिसीज़ को कौन कौन से वायरसेस करते हैं, तो इससे ये भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और एग्ज़ाम में इसका क्लासिफिकेशन और ब्लैक डायग्नोसिस पर पूरा एक क्वेश्चन आया है और इसके डिसीज़ पर शॉर्ट नोट्स आए हैं। तो लैब डायग्नोसिस तो हम इसकी डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ में क्लासिफिकेशन भी आज ही डिस्कस कर लेंगे। ओवरऑल जो आज का लेक्चर है वो सिंप्लीफाई करने के लिए है, किसी भी मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए है और डिसीज़ और हमें वायरस में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए हमने इसको दो तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक तो इस चार्ट की फॉर्म में और एक है कि ये पर्टिकुलर जो इंसेफेलाइटिस है वो कौन कौन सा वायरस करता है, वो इस तरीके से एक फॉर्म में हमने इसको समझाने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं अब फाइनली। तो ये है कि इसकी फैमिली से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी फैमिलीज़ होती हैं। ठीक है, तो फैमिलीज़ इसकी फाइव टाइप की फैमिलीज़ होती हैं। टोगोवायरिडी होती है, फ्लेविवायरिडी होती है, बुनियावायरिडी होती है और रियोवायरिडी और रैप्डोवायरिडी होती है। ठीक है, तो टोगोवायरिडी में देखिए वायरसेस बहुत सारे हैं, तो कुछ कुछ पर्टिकुलर वायरस ही पड़े जाएंगे जो कि है ना, जो कि हर जगह डिसीज़ कॉज करते हैं, जो कि मेजर एरिया में मेजर डिसीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो टोगोवायरिडी में चिकनगुनिया वायरस आता है, ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस आता है, वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस आता है। फ्लेविवायरिडी में जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस आता है,
और येलो फीवर आता है, और येलो फीवर वायरस, डेंगू फीवर वायरस, ये जो डेंगू फीवर वायरस है फ्लेविवाइरिडी में आता है, ठीक है। मुनिया वायरिडी में अगर हम देखें तो कैलिफोर्निया इंसेफेलाइटिस वायरस आता है, सैंड फ्लाई फीवर जो होगा वो भी हमें इसी फैमिली में देखने को मिलेगा, और जो क्रीमन कॉन्गो हिमोरेजिक फीवर वायरस है वो भी हमें मुनिया वायरिडी में देखने को मिलेगा। रियो वायरिडी में टिक फीवर वायरस आते हैं, और रेप्डो वायरिडी में चांदीपुरा वायरस आता है, ठीक है। तो ये चार्ट में हमने इसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि कौन सा वायरस कौन सी फैमिली में आता है, क्या डिसीज़ कॉज करता है, उसका वेक्टर क्या है, होस्ट क्या है, कहाँ वो हमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो टोकोवायरिडी में हमें चिकन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, टोकोवायरिडी में हमें चिकनगुनिया वायरस देखने को मिलता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस देखने को मिलता है। क्या डिसीज़ कॉज करता है? फीवर और अर्थराइटिस। और वेस्टर्न और ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस में इंसेफेलाइटिस कॉज करेगा, ठीक है। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये चिकनगुनिया वायरस एशिया और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसका जो वेक्टर होता है वो एडीज एजिप्टी वायरस होता है, वो एडीज एजिप्टी मॉस्किटो होता है, ठीक है, ये वायरस नहीं होता, मॉस्किटो होता है। एडीज एजिप्टी इसका वैक्टर होता है, जो कि ये मंकी में ट्रांसफ़र, जो कि इसका होस्ट होता है वो मंकी होता है, ठीक है। वायरस, चिकनगुनिया वायरस एडीज एजिप्टी मॉस्किटो से मंकीज़ में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। वेक्टर मतलब जो ले जाएंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस इंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं, और जो कि हमें मिलते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसके जो वेक्टर होते हैं दोनों के एडीज और क्यूलेक्स होते हैं, और इसका होस्ट भी बर्ड्स होती है, ठीक है। अगर हम फ्लेविवाइरिडी की बात करें तो जापानीज़ भी इंसेफेलाइटिस वायरस होता है, जो कि इंसेफेलाइटिस कॉज करता है, और जो कि हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है साउथ ईस्ट एशिया में, इसका जो वेक्टर होता है वो भी क्यूलेक्स वेक्टर होता है, और इसके होस्ट भी हमें वो होस्ट भी पिक्स और बर्ड्स होते हैं ज़्यादा, ठीक है। डेंगी वायरस की अगर हम बात करें तो डेंगी वायरस में ये क्या कॉज करते हैं? हेमोरेजिक फीवर कॉज करते हैं, जो कि है ना, जो कि हमें इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये जो पाए जाते हैं इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ वेक्टर इनका क्या होता है? वेक्टर एडीज इजिप्टी मॉस्किटो होता है, और जो इसके होस्ट होते हैं वो मैन मतलब ह्यूमन होते हैं, ठीक है। अगर हम येलो फीवर वायरस की बात करें तो ये हेमोरेजिक फीवर कॉज करते हैं, और सबसे ज़्यादा वेस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं, और एडीज एजिप्टाई का वेक्टर है, और ये मंकीज़ का होस्ट है, ठीक है। बुनिया वायरिडी में दो टाइप के वायरस मिलते हैं, सैंडफ्लाई फीवर वायरस, क्रीमन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस। सैंडफ्लाई फीवर वायरस फीवर और माइल्जिया कॉज करता है, जो कि इंडिया और नॉर्थ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और सैंडफ्लाई इसका वेक्टर है, और जो मैमल्स होंगे वो इसके होस्ट होंगे। क्रीमन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस हेमोरेजिक फीवर कॉज करता है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मिलता है, और टिक्स इसके वेक्टर होते हैं, ठीक है, और ये भी मैमल्स इसके होस्ट होते हैं। और रियो वायरिडी की बात करें तो टिक फीवर वायरस होता है, और इसका जो ये सबसे ज़्यादा जो ये डिसीज़ जो कॉज करता है वो फीवर और इंसेफेलाइटिस, कभी कभी इंसेफेलाइटिस भी देखने को मिलता है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है, ठीक है। और अमेरिका में सबसे ज़्यादा मिलता है, टिक्स इसके वैक्टर होते हैं, और होस्ट इसके रोडेंट्स होते हैं। और रेप्डो वायरिडी में हमने चांदीपुरा वायरस देखा था, तो ये इंसेफेलाइटिस कॉज करता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, और इसके जो वेक्टर होते हैं सैंड फ्लाई होती है, और इसके जो होस्ट है वो अभी अननोन है, ठीक है। तो देखें कि अब इसमें देखेंगे कि कोई एक वायरस के
एक वायरस, जैसे कौन कौन से जो वायरस कॉजिंग, ठीक है, इंसेफेलाइटिस, हेमोरेजिक फाइवर ऑफ फाइवर नहीं है फीवर है सॉरी, ठीक है, इंसेफेलाइटिस, हेमोरेजिक फीवर और जो फीवर मतलब रैशेज, आर्थ्राइलजिया जो करते हैं वो कौन कौन से वायरसेस करते हैं। देखिए हमने इसमें देख लिया कि फैमिलीज़ में कौन कौन से वायरस होते हैं और पर्टिकुलर हमने डिसीज़ देख ली। अब यहाँ पर ये अलग अलग है कि इंसेफेलाइटिस यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो वो इंसेफेलाइटिस को हमने पूरा एक एक जगह ला के हमने उसको ये समझाने की कोशिश की है कि इंसेफेलाइटिस कौन कौन से वायरसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसेफेलाइटिस ईस्टर्न और वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस करते हैं, जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस करता है और कैलिफोर्निया इंसेफेलाइटिस वायरस, ये इससे इंसेफेलाइटिस डिसीज़ होती है, ठीक है। जो सिम्टम्स होते हैं हमारे मतलब CNS पे, अगर ये CNS पे एक्ट करते हैं, ठीक है। हेमोरेजिक फीवर कौन कौन से वायरसेस करते हैं, चिकनगुनिया वायरस, डेंगू फीवर वायरस, येलो फीवर वायरस, और आप जो भी इसको प्रोनंसिएट करें, जो कि काइसनूर फॉरेस्ट डिसीज़ वायरस, क्रीमन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस, ठीक है। और ये फीवर दो टाइप का होता है अरबो वायरस में, एक होता है फीवर तो आते ही आता है, लेकिन है ना उसमें जो रैशेस भी होते हैं और विदाउट रैशेस भी हमको फीवर देखने को मिलता है, आर्थ्राइलजिया भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो चिकनगुनिया जो फीवर हमको देखने को मिलता है रैशेस और विदाउट रैशेस और आर्थ्राइलजिया, वो हमको किस में देखने को मिलता है, चिकनगुनिया वायरस में, डेंगू फीवर वायरस में और सैंड फ्लाई फीवर वायरस और टिक फीवर वायरस। जो चिकनगुनिया और डेंगू फीवर वायरस है वो मॉस्किटोज़ में, मॉस्किटोज़ के वेक्टर्स होते हैं, सैंड फ्लाई और टिक फीवर वायरस है वो टिक्स इसके वेक्टर्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में ऐसे समझाने का कुछ नहीं था, बस बस एक कंफ्यूज जो ओवरऑल कंफ्यूज हो जाते हैं वो था, उसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। और बाकी का लेक्चर अब हम डिसीज़ पर लाएंगे, डेंगू फीवर, जापानीज़ इंसेफेलाइटिस, ये सब डिसीज़ पर लाएंगे आगे के लेक्चर, तो दो तीन लेक्चर में हमारा अरबो वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो आज का थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ अ डेंगी वायरस। ये अरबो वायरस की सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर है। हमने अरबो वायरस की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें ऑलरेडी थ्री लेक्चर अपलोडेड हैं, तो आप उसको वहाँ जाके पढ़ सकते हैं अरबो वायरस के बारे में। तो अब हमने एक स्पेसिफिक वो फैमिली स्टार्ट की है, डेट इज़ फ्लेवी वायरस फैमिली, उसमें डेंगी वायरस आता है, तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक्स में आज के मतलब जो हेडिंग्स हम देखेंगे, फीचर्स देखेंगे इसके डेंगू वायरस के, और वेक्टर होस्ट ट्रांसमिशन साइकिल देखेंगे, पैथोजेनेसिस इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं तो इन्फेक्टिव पीरियड देखेंगे वायरस का, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन, दो टाइप की एंटीबॉडी इसमें प्रोड्यूस होती हैं, डेट इज़ न्यूट्रलाइजिंग और नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, और इसकी थ्री स्टेजेस होती हैं। क्लासिफिकेशन के दो टाइप के वायरस को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, डेट 1997 में और एक 2009 में। इसकी एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे और इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखेंगे। फीचर्स में देखते हैं कि ये जो इंडिया में जो वायरस है ये सबसे ज़्यादा मिलता है, कॉमनेस्ट वायरस है ये इंडिया में, और ये बिलोंग करता है फ्लेवी वायरिडी फैमिली से और हेमरेजिक फीवर ग्रुप का ये मेंबर है, ठीक है। तो क्या है कि ये हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि ये सब क्या है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, तो आप उसको वहाँ जाके समझ सकते हैं। तो ये फ्लेवी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है और ये हेमरेजिक फीवर ग्रुप से ये ग्रुप में आता है, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है और इसकी शेप स्फीयर होती है, और इसका जो इसको एक नाम से जो कि ये बहुत फेमस है, जिसको हम ब्रेक बोन डिसीज़ बोलते हैं या बोन ब्रेक डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो और इसकी मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें, मॉस्किटो की मॉर्फोलॉजी होती है, ये ब्लैक मॉस्किटो होता है,
ब्लैक मॉस्किटो विद वाइट स्टिंग। आपने अगर कभी ऐसे मच्छर को देखा होगा कभी के है ना, वो बिल्कुल ब्लैक होगा लेकिन उसमें वाइट कलर की लाइन बनी होंगी। तो ये वो वाले मच्छर होते हैं, ये डे टाइम फीडर होते हैं। ये हमेशा जो मॉस्किटोज होते हैं वो दिन में काटते हैं, दिन में बाइट करते हैं। और इसके 4 सेरोटाइप्स होते हैं, डेट इज़ सेरोटाइप मतलब अगर आप अगर ईजी लैंग्वेज में कहें तो इसके इस वायरस के 4 टाइप होते हैं। ये 4 ये मतलब 4 टाइप में मिलते हैं, डेट इज़ डेंगी 1 और डेंगी 2, मतलब डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, डेन 5 भी रिपोर्ट किया गया है, लेकिन वो इंडिया या और किसी केवल बैंकों के अलावा हमें कहीं और देखने को नहीं मिला, इसलिए हम इसको इसको हम अभी इतना पढ़ते नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डेन 1 से लेकर डेन 4 तक हैं, जो कि वायरस के टाइप्स हैं, इनको हम सीरो टाइप्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं वेक्टर होस्ट ट्रांसमिशन साइकिल, तो वेक्टर होस्ट ट्रांसमिशन साइकिल में हम देखेंगे, देखिए ट्रांसमिशन साइकिल भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये कौन से टाइप की साइकिल है, मैन आर्थ्रोपोड मैन साइकिल है। मैन आर्थ्रोपोड मैन साइकिल में इसमें मैन जो होता है वो होस्ट होता है और आर्थ्रोपोड वो वेक्टर होता है। आर्थ्रोपोड में हम मॉस्किटो मान के चलते हैं, ठीक है, मॉस्किटोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है इसमें। और मैन आर्थ्रोपोड मैन में ये मैन से मतलब जो इन्फेक्शन होगा, जो वायरस होगा वो मैन से आर्थ्रोपोड में जाएगा, मतलब मॉस्किटो मान के चलते हैं यहाँ, और वो फिर डायरेक्ट मैन में जाएगा, फिर आर्थ्रोपोड में जाएगा, फिर मैन में जाएगा, ऐसे 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 करके साइकिल चलती रहेगी। तो यहाँ पे वेक्टर जो होता है वो एडीज मॉस्किटो होती है, मॉस्किटो होता है, ठीक है। एक्चुअली फीमेल मॉस्किटो होती है, ये फीमेल होती है। तो एडीज़ नाम का मॉस्किटो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके दो स्पीशीज़ होती हैं जो डेंगी वायरस कॉज करती हैं, डेट इज़ एडीज़ इजिप्टाई, यहाँ पे ई भी है, ए ई इजिप्टाई, ठीक है, इजिप्टाई और एडीज़ एल्वोपिक्टस, ये दोनों फीमेल मॉस्किटो होती हैं, ठीक है, जो कि इन्फेक्ट करती हैं। तो एडीज़ और एल्वोपिक्टस में इसके वो डिफरेंसेस जान लेते हैं। नर्वस फीडर होती है इजिप्टाई, नर्वस फीडर और ये कॉन्कॉर्डेंट फीडर। नर्वस फीडर वो होते हैं जो कि जैसे जो कि एक पर्सन से अपना वो ब्लड नहीं लेते, वो एक से दूसरे पर्सन तक जाते रहते हैं, ठीक है। अगर ये मैन हो गया, ये एक पर्सन हो गया, ये एक पर्सन हो गया, ये एक पर्सन हो गया और ये मॉस्किटो हो गई, तो ये यहाँ से अपना फीड करेगा, यहाँ से भी फिर यहाँ से इस पर्सन में जाएगा, यहाँ से इस पर्सन में जाएगा, ये नहीं कि इसी पर्सन से अपना पूरा मील ले ले और ये चला जाए। ये मल्टीपल होस्ट से डिफरेंट होस्ट से अपना फीड करता है, ठीक है, मतलब अपना खाना लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है, और जो न्यूट्रिशन होता है इसका ब्लड होता है, ठीक है। तो एल्वोपिक्टस में है जो कॉन्कॉर्डेंट फीडर होते हैं, कॉन्कॉर्डेंट फीडर ये होते हैं कि जो एक ही पर्सन से ये ब्लड पूरा मतलब अपने आप को फीड करेगा और ये सेकंड पर्सन से ना जा, मतलब ये और किसी पर नहीं जाएगा, ये केवल एक ही पर्सन से अपना अपने आप को फीड करके ये चला जाएगा, ये किसी और को इन्फेक्ट नहीं करता। तो अब यहाँ पे ये है कि इसके बहुत सारे होस्ट हो गए और इसमें एक ही होस्ट हुआ, ये मोस्ट एफिशिएंट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वायरस को ट्रांसमिट करने में ये एक मस्कीटो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर ये एक इससे इसमें ब्लड इससे ब्लड ले गया, इससे ब्लड ले गया, इससे ब्लड ले गया, तो ये इतने लोगों को ये इन्फेक्ट कर रहा है। अब ये यहाँ पे भी मतलब जब ये सक करेगा तो ये अपने वायरस यहाँ पे छोड़ देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एफिशिएंट बोला गया क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देता है, बहुत सारे लोगों में वायरस ट्रांसमिट कर देता है, और ये जिससे ब्लड लेगा उसी को ये ट्रांसमिट करेगा वायरस, ठीक है। ये जो होते हैं ये केवल हॉट क्लाइमेट में मिलते हैं और ये अडेप्टिव इन नेचर होते हैं, ये हमें मतलब ये वो क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। देखिए दो टाइप के मॉस्किटोज होते हैं, एडीज मॉस्किटो डेट इज़ मेल और फीमेल मॉस्किटो, और इसमें ये दूसरे मील पर मतलब ये वैसे तो नॉर्मली दूसरे मील पर फीड करते हैं, डेट इज़ के है ना, मतलब जब इनका प्रेगनेंसी का टाइम आता है तब ये मैन होस्ट को देखते हैं, वरना ये किसी और फूड पे भी रह सकते हैं, ठीक है। ये प्रेगनेंसी टाइम पर ही ये एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए
ये ब्लड होस्ट देखती है, मतलब मैन होस्ट देखती है, जिससे कि उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। तो जिस वो इसको ब्लड से ही, मैन होस्ट के ब्लड से ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो बाइट करती है और इन्फेक्शन कॉज करती है। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो दो टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, दैट इज़ प्राइमरी डेंगी इन्फेक्शन और सेकेंडरी डेंगी इन्फेक्शन। प्राइमरी डेंगी इन्फेक्शन में होता है कि पर्सन को लाइफ में फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ है और वो मतलब इस वायरस से फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट हुआ है और विद द वन सीरोटाइप्स, मतलब किसी भी सीरोटाइप से, जैसे चार टाइप होते हैं, 1, 2, DEN 1, DEN 2 और DEN 3, DEN 4 करके, तो वो किसी एक सीरोटाइप से वो इन्फेक्ट होगा। सेकेंडरी डेंगी सीरोटाइप जो होता है वो, जैसे अब ये वाला प्राइमरी जो इन्फेक्शन हुआ वो होके मतलब ठीक हो गया, तो अब जब इसको कभी महीनों में या सालों बाद जब कोई इन्फेक्शन होगा, मतलब कोई नहीं, जब डेंगी वायरस का इन्फेक्शन होगा तो ये सेकेंडरी डेंगी इन्फेक्शन वो होता है, ठीक है। तो ये जो होता है कि वही है कि अगर यहाँ पे इसने वन सीरोटाइप से इन्फेक्ट किया तो दूसरे इन्फेक्शन में ये दूसरे सीरोटाइप से अगर इन्फेक्ट होता है, अगर वन सीरोटाइप से होता है तो वो इतना सीवियर नहीं होता क्योंकि इसकी एंटीबॉडी बन चुकी होती है। लेकिन अगर मान लीजिए सेकंड टाइप से हुआ है तो वो मोर सीवियर माना जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। वो अगर सेकेंड सीरोटाइप से अगर इन्फेक्शन होता है तो वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन मानी जाती है, मोर सीवियर अगर सेकेंडरी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर डेंगू का एक बार, अगर पहली बार बुखार आया है, डेंगू इन्फेक्शन हुआ है, तो वो इतना क्रिटिकल नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी अगर उसको महीनों बाद सालों बाद बुखार आता है तो वो सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये सीरोटाइप अगर दूसरे पहले वाले सीरोटाइप से डिफरेंट है तो ये सीवियर कंडीशन मानी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन पीरियड एडीज़ का, देखिए एडीज़, अब मॉस्किटो ऐसा तो नहीं है कि लाइफ टाइम से मतलब इन्फेक्टेड हो, एक वो नॉर्मल मॉस्किटो भी होगा तो वो इन्फेक्ट कैसे होता है, तो इन्फेक्ट होता है कि वो किसी वायरमिक पेशेंट के पास जाएगा, मतलब जो ऑलरेडी डेंगी वायरस से इन्फेक्टेड है। तो अगर ये मस्कीटो ये मैन के पास इन्फेक्ट होने के 1 to 5 days में अगर उस मैन को अगर बाइट करता है तो ये जो मस्कीटो है ये इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये मस्कीटो इन्फेक्ट हो जाएगा। इट इज़ बिकम इन्फेक्टिव ओनली व्हेन इट बाइट अ इन्फेक्टिव पर्सन, अगर वो इन्फेक्ट पर्सन को बाइट करता है तो ये इन्फेक्ट हो जाएगा, जिसको हम वायरमिक पेशेंट बोलते हैं। देखिए वायरस जो होता है वो ब्लड में ही मिलता है, जब वो ब्लड में प्रेजेंट होता है तो वो उसको हम वायरमिक पेशेंट बोलते हैं। तो ये उस पेशेंट को मतलब बाइट करेगा और ब्लड सक करेगा जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अगर वो पेशेंट को 1 to 5 days में, स्टार्टिंग के 1 to 5 days में बाइट कर रहा है तो वो तो जो कि फेब्रिल पीरियड होता है तो वो उसको तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा, और उसको बाइट करने के बाद 8 to 10 days के अंदर उसको मतलब 8 to 10 days के अंदर वो इन्फेक्ट होता है पूरी तरीके से, ठीक है। वो 8 to 10 days लगते हैं उसको इन्फेक्ट होने में, ठीक है। तो ये क्या होता है, और फिर वो इन्फेक्ट रहता है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। देखिए इसमें ट्रांसवेरियल ट्रांसमिशन देखा गया है। ट्रांसवेरियल ट्रांसमिशन कहते हैं कि अब वो मॉस्किटो जो फीमेल मॉस्किटो ही होती है जो कि प्रेगनेंसी में जाके मैन को मैन से ब्लड लेती है एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए, तो क्या होगा कि अगर वो फीमेल मॉस्किटो इन्फेक्ट हो गई है तो वो वायरस, वो इन्फेक्शन उसके ऑफस्प्रिंग को भी देखने को मिल जाता है, वो उसको भी लाइफ टाइम के लिए इन्फेक्ट कर देती है। तो इसमें हम बोलेंगे कि हमें इसमें ट्रांसवेरियल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम फीवर की जो इसमें फीवर होता है, जो डेंगी वायरस का जो फीवर होता है उसमें 3 stages होती हैं, डेट इज़ फेब्राइल स्टेज और पीरियड कह सकते हैं आप, और सेकेंड होती है क्रिटिकल स्टेज और थर्ड होती है रिकवरी स्टेज, ठीक है। तो फेब्राइल स्टेज होती है, जो फेब्राइल स्टेज 2 to 7 days की होती है, मतलब स्टार्टिंग में जब इन्फेक्शन होगा तो वो 2 to 7 days तक का जो पीरियड माना जाएगा वो फेब्राइल पीरियड माना जाएगा। इसमें बहुत तेज़ फीवर आता है और रैशेज़ भी हो जाते हैं, रैशेज़ भी देखने को मिलते हैं इसमें,
देखिए तो फिर क्या होता है कि दो कंडीशन होते हैं, या तो मेडिकेशन लेके हम सही हो रहे हो, या हमने प्रॉपर मेडिकेशन ना ली हो, ठीक है। लेकिन मेडिकेशन एक होता है कि फीवर सही होने लगता है, तो फीवर सही होने लगता है तो हम सोचते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, तो एक तो होता है कि असली में ठीक हो रहा हो। तो हमें यहाँ पे लापरवाही नहीं, मतलब वो लापरवाह नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन लेते रहना चाहिए। जैसे अगर वो सही हो रहा है तो ठीक है, लेकिन फीवर खत्म होने के बाद उसको फिर भी ऑब्जर्वेशन में रखा जाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जो जब फीवर सही हो जाता है तो एक्चुअली वो एक स्टेज होती है क्रिटिकल फेज की भी, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं होता, क्रिटिकल फेज यहाँ से स्टार्ट होनी होती है। तो हम इसको पूरी तरह सही भी नहीं सोचते कि हाँ हम सही हो गए, हम उसको ऑब्जर्व करते रहे, मतलब जो डॉक्टर होता है वो ऑब्जर्व करता रहता है पेशेंट को कुछ टाइम के लिए। अगर वो क्रिटिकल फेज होती है तो वो इस तरीके के सिम्टम्स दिखाती है। तो क्रिटिकल फेज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, वो 24 to 48 आवर्स के लिए होती है, ठीक है। इसमें वस्कुलर लीक सिंड्रोम देखा जाता है, जो वेसल्स होती हैं उसमें लीकेज हो जाता है, ब्लड का लीकेज हो जाता है, क्योंकि उसकी वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें शॉक सिंड्रोम, मतलब शॉक भी देखा जाता है, शॉक भी हो जाता है, और उसमें जो ऑर्गन होते हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर रहे होते हैं। सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाती है, प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं, अपनी जो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होता है उससे बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। मोर देन वो सॉरी लेस देन 1 लाख जो उनकी अमाउंट होती है डेंगू फीवर में, वो लेस देन 1 लाख हो जाती है, ठीक है। तो क्या है कि अगर यहाँ पे रिकवरी देखी जा रही है तो वो कन्वलसेंट स्टेज स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे जो कन्वलसेंट स्टेज होती है उसको हम रिकवरी स्टेज भी बोलते हैं, यहाँ पे सब कुछ हमें ठीक होता हुआ दिखता है, ठीक है। अब आते हैं हम के एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अगेंस्ट डेंगी वायरस। जब कोई वायरस अटैक करेगा, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी को अटैक करेगा, तो आप तो ये सब जानते हैं कि इम्यून सिस्टम इससे अफेक्ट होगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम अफेक्ट नहीं होगा, इम्यून सिस्टम इसके वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। जब एंटीजन हमारे अंदर आएगा तो एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस होंगी। तो डेंगी फीवर में, डेंगी वायरस में तो दो टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, डेट इज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी एंड नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी वो होती हैं जो कि अगर अगर वायरस आ रहा है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, ये एंटी देखिए वायरस आ रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, तो एंटीबॉडी वायरस के अगेंस्ट वर्क करेंगी और उसको ख़त्म कर देंगी, ठीक है। नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी ये होती हैं कि अगर, मतलब वो वायरस को ख़त्म नहीं करती, वो वायरस को प्रोटेक्ट करती हैं। वो कैसे आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब डेंगी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो दो टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, डेट इज़ न्यूट्रलाइजिंग और नॉन न्यूट्रलाइजिंग। और अगर हम इसके डिफरेंसेस देखें तो देखिए न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी क्या होती है, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ये, और ये नॉन प्रोटेक्टिंग होती है। जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग होगी वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगी, ये प्रोटेक्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन्फेक्टिव सेरोटाइप, ये इन्फेक्टिव मतलब सेरोटाइप मतलब आप वायरस मान लीजिए, तो ये उसके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और ये जो नॉन न्यूट्रलाइजिंग होगी वो उस एंटीबॉडी जो एंटीजन है, जो वायरस है, ये उसी को बाइंड उसी से जाके बाइंड हो जाएगी, उसी को कोट कर लेगी, जिससे कि वो हमारे इम्यून सिस्टम से, जो बी सेल्स सिक्रिएट हो रही हैं, जो बी सेल अटैक करने को आ रही हैं वायरस को, वो उसको अटैक नहीं कर पाएंगी, वो उसको सेव करेंगी, ठीक है। तो इसमें यही है। तो हम नॉन न्यूट्रलाइजिंग को थोड़ा देख लेते हैं, नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज क्या होती हैं। ये जो होती हैं ये लाइफ टाइम तक होती हैं। इसमें क्या होता है देखिए, न्यूट्रल जब हमारे फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होता है, सपोज कीजिए कि डेंगू वन से हमको इन्फेक्शन हुआ, तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी सिक्रीट हुई और वो उसको अटैक करके उसको वहीं उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड टाइम जब हमको इन्फेक्शन हुआ, तो सपोज कीजिए सेकेंड सेरोटाइप से हुआ, जैसे डेन वन था ये वाला सपोज कर लेते हैं, और ये डेन टू से इन्फेक्शन हुआ हमको, ठीक है। तो डेन टू से इन्फेक्शन हुआ, तो जो इसके टाइम पर जो हमें फर्स्ट टाइम पे इन्फेक्शन हुआ था तो जो इसके टाइम पर जो एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, ये जो एंटी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, तो ये एंटीबॉडी जो सेरोटाइप वन के लिए बनी थी, वो इसको जाके कोट कर लेती हैं, ठीक है। वो इसको जाके कवर कर लेती हैं, ताकि
जो जो हमारी बॉडी बी सेल सीक्रेट कर रही है, लिम्फोसाइट जो सीक्रेट कर रही है पैथोजन के अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट, तो वो उसको अटैक नहीं करने देती, उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हुई, लेकिन जो वायरस है उसके लिए ये थोड़ी प्रोटेक्टिव ये हुई। तो क्या होता है कि ये जो बी सेल्स, अब वो जो एंटीबॉडीज जो उसके लिए बन रही थी वो भी काम नहीं करी, ठीक है, और जो बी सेल्स जो सीक्रेट हो रही थी वो भी काम नहीं कर रही, वो उसको मतलब एंटीबॉडीज जो है उसको उसको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता हुआ दिखता है, और जिससे कि हमें सीवियर स्टेज देखने को मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो सीवियर इन्फेक्शन होता है, ठीक है। नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़, अब देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये लाइफ लॉन्ग रहती हैं, एक बार सीक्रेट हो गई तो वो लाइफ टाइम रहेंगी। और क्या होता है कि ये अगेंस्ट अदर सीरोटाइप के, मतलब ये जो प्रोड्यूस होती हैं वो अदर सीरोटाइप के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं, नॉट द इन्फेक्टिव सीरोटाइप, ठीक है। ये इन्फेक्टिव सीरोटाइप्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस नहीं होती। और क्या होता है कि ये फर्स्ट सीरोटाइप सच एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट फर्स्ट सीरोटाइप इन्फेक्शन एंड कैन बाइंड अदर सीरोटाइप। वही जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि फर्स्ट सीरोटाइप के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पे इसके अगेंस्ट जो प्रोड्यूस हुई, लेकिन है ना, लेकिन ये इससे जो सेकेंड इन्फेक्शन हुआ तो सेकेंड सीरोटाइप से जाके ये बाइंड हो गई, ठीक है, यहाँ पे यही हुआ है ना। और ये न्यूट्रलाइज नहीं होती, दे डू नॉट न्यूट्रलाइज सेकेंड सीरोटाइप, यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर रही, यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। और वो किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो बी सेल प्रोड्यूस हो रही थी उनको इनहिबिट कर देती है सेकेंड सीरोटाइप के अगेंस्ट, उसको वर्क नहीं करने देती। देखिए ये हो गया हमारा कि नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कैसे वर्क करती हैं। तो एडी फेनोमेना इसमें देखा जाता है। एडी फेनोमेना क्या होता है कि ये एक्सप्लेन करता है कि सेकेंडरी, जो हम कहते हैं कि अगर सेकेंड टाइम इन्फेक्शन हुआ है तो सेकेंडरी डेंगी इन्फेक्शन हुआ है वो कैसे सीवियर होता है। ये जो मतलब ये फेनोमेना वो रीज़न एक्सप्लेन करता है कि सेकेंडरी सीरोटाइप हमारे लिए कैसे सीवियर है, कैसे वो डेंजरस है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। यहाँ पे डेथ के केसेस भी देखे जाते हैं केवल इसी फेनोमेना की वजह से, ठीक है। तो यही था नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में डेंगी वायरस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो दो टाइप की क्लासिफिकेशन, मतलब एक तो 97 में हुआ था, एक 2009 में हुआ था। तो 97 वाला ट्रेडिशनल माना जाएगा, 2009 में आया जो वो न्यू वर्ड माना जाएगा, ठीक है। तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं और इसकी 2009 वाले की 2 स्टेजेस होती हैं। तो इसमें कुछ नहीं था कि मतलब इसमें जो उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था उसमें इसी को उसको 2 स्टेजेस में कर दिया था, लेकिन उसमें फिर भी उसके सब टाइप्स कर दिए थे। तो इसमें 3 स्टेजेस देख लेते हैं। डेंगी फीवर, एक तो वही जो नॉर्मल फीवर वाली स्टेज होती है, एक होता है कि डेंगी हेमरेजिक फीवर, ठीक है, और एक होता है डेंगी शॉक सिंड्रोम। तो एक नॉर्मल जो फीवर आता है, एक नॉर्मल स्टेज वाली जो होती है स्टार्टिंग वाली, ये केवल स्टार्टिंग वाली स्टेज मानी जाएगी। ऑनसेट ऑफ फीवर, फीवर आने लगता है, ठीक है। और बायफेजिक फीवर, फीवर मतलब दो टाइप का होता है, एक तो पहला इन्फेक्शन हो चुका होता है, फिर मंथ और ईयर बाद फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, मतलब 2 बार का फीवर होता है, ठीक है। ब्रेक बोन फीवर, इसको ये मतलब ये इसके क्लिनिकल फीचर्स ही देख लीजिए, इसमें यही मिलता है कि डेंगू फीवर में और जो इस स्टेज में होता है वो और क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें ब्रेक बोन फीवर आएगा और मैक्यूलो पैपुलर रैश होंगे, वो हम आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। फ्रंटल हेडेक होगा, लिम्फेडिनोपैथी होगी और लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया एंड वॉमिटिंग। डेंगी हेमरेजिक फीवर में क्या होगा, ये क्लासिकल प्लस हेमरेज, मतलब इसके जो फीचर्स होंगे वो तो होंगे ही होंगे, ऑल सिम्टम्स ऑफ द क्लासिकल फीवर, ठीक है, ये सारे के सारे सिम्टम्स होंगे, प्लस ब्लीडिंग इसमें देखी जाएगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसको प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, 1,00,000 से कम हो जाती हैं, हेपेटोमेगैली देखने को मिलेगी, हेमेटोक्रेट जो होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी, है ना। और
टॉर्निकेट टेस्ट इसमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें डेंगी शॉक सिंड्रोम थर्ड स्टेज के बारे में देख लेते हैं, जिसमें होता है कि डेंगी हेमरेजिक फीवर प्लस शॉक। ठीक है, इसमें ये वाले सिम्टम्स तो होंगे ही होंगे, मतलब ये भी हो गए देखिए और ये भी हो गए, तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी क्रिटिकल स्टेज होगी ये वाली। इसमें ये वाले सिम्टम्स भी आ जाएंगे, प्लस इसमें क्या होगा कि पल्सेस वीक होने लग जाएंगी, हाइपोटेंशन हो जाएगी और ठंड लगने लगेगी और रेस्टलेसनेस देखी जाएगी। ठीक है, और लिथार्जी की प्रॉब्लम इसमें देखी जाएगी। अब हम इसके WHO क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। सेकंड स्टेज इसकी, सॉरी, दो स्टेजेस होती हैं, डैट इज़ डेंगी विद और विदाउट वार्निंग स्टेज, और एक होती है सीवियर डेंगी। ठीक है, तो डेंगी मतलब एक तो होता है कि विद रैशेस, ठीक है, मतलब सॉरी, एक होता है कि वार्निंग साइंस जो होते हैं, एक वो होती है, ठीक है, और एक होता है विदाउट वार्निंग साइंस। तो ये होते हैं कि नॉन वार्निंग साइन जो होते हैं कि फीवर रैशेज, ये हमें हर एक मतलब ये हमें किसी भी कंडीशन में, किसी भी डिसीज़ में देखने को मिल जाती है कि फीवर हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, पेट खराब की वजह से भी हो जाते हैं। तो ये तो हो गया कि हमें इसके वार्निंग स्टेज, मतलब ये वार्निंग मतलब वार्निंग साइंस नहीं है इसके। ठीक है, तो उसमें कौन सी कंडीशन होती है, फीवर, रैशेज, नोजिया, वॉमिटिंग और पेन होता है, ल्यूकोपीनिया की कंडीशन देखी जाती है, टॉर्निकेट टेस्ट इसमें पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, और इसमें वार्निंग साइंस में देखें तो इसमें एब्डोमिनल पेन, म्यूकोसल ब्लीडिंग होने लग जाती है, लिथार्जी की कंडीशन, हेपेटोमेगैली, लिवर का साइज इंक्रीज होता जाता है, हेमेटोक्रिट इंक्रीज होती जाएगी और प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सीवियर स्टेज की बात करें सीवियर डेंगी में, तो क्या होगा कि वही सीवियर प्लाज्मा लीकेज हो जाएगी, ब्लड वेसल लीक करने लग जाएंगी, जिससे कि शॉक की कंडीशन हो सकती है, डेंगी शॉक सिंड्रोम, DSS का मतलब डेंगी शॉक सिंड्रोम, और है ना वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, AST और ALT हमको इंक्रीज होने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें CNS और हार्ट का इम्पेयरमेंट भी देखने को मिलता है, मतलब इसमें ये काम नहीं करते ठीक से। ठीक है, लैब डायग्नोसिस, देखिए लैब डायग्नोसिस इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है, ये हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, इसका मतलब जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें ये है, लैब डायग्नोसिस पे एक सेपरेट वीडियो है, अगर आप उसको पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप इसमें ना पढ़ें तो वो चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंटीजन डिटेक्शन होता है, एंटीजन डिटेक्शन में NS1 एंटीजन जो होता है वो मेन एंटीजन इसमें माना जाता है, ये हमें सीरम में सीरम में मिलता है, अगर ये हमें ये पॉजिटिव आता है तो डेंगी के पूरे पूरे चांसेस हैं, ये Day 1 से प्रेजेंट होता है और 18 डे तक रहता है। ठीक है, Day 1 to Day 18 तक मिलता है ये, और ये पॉपुलर टेस्ट माना गया है क्योंकि ये बहुत जल्दी, ये जो एंटीजन डिटेक्शन मतलब NS1 एंटीजन मिलता है तो ये बहुत पॉपुलर टेस्ट माना गया है क्योंकि अर्ली डिटेक्शन बहुत जल्दी कर लेता है, मतलब ये एकदम से देखने को मिल जाता है, स्टार्टिंग से Day 1 से देखने को मिल जाता है। इसके लिए हमको ELISA, ICT हम दोनों टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी डिटेक्शन, ये तो एंटीजन डिटेक्शन हो गया, ये एंटीबॉडी डिटेक्शन हो गया, इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, सेकेंड इन्फेक्शन में भी टेस्ट होते हैं। ठीक है, फिफ्थ डे होगा उसमें IgM अपियर हो जाएगी और ये 90 डेज तक के लिए 90 डेज पर ये डिसअपियर हो जाती है। 14 to 21 डे पे IgG भी डिटेक्ट करने को मिलती है और ये स्लोली इंक्रीज होती जाती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में हम देखेंगे कि IgG एंटीबॉडी इंक्रीज करती है रैपिडली और यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी देखे जाते हैं क्योंकि अगर वैक्सीनेशन अगर येलो फीवर का कराया होगा तो उसकी एंटीबॉडीज़ भी वैक्सीनेशन के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही होंगी उसकी भी एंटीबॉडीज़ जनरेट होंगी, तो इसके लिए फॉल्स टेस्ट भी आ सकता है डेंगी के लिए। ठीक है, तो IgM भी इसमें मतलब यहाँ पे IgM बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे IgM लो होती जाएगी। ठीक है, 90 डेज पे वो डिसअपियर होती जाती है तो यहाँ पे लो हो जाएगी या फिर वो डिटेक्ट ही नहीं होगी। उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, मैकेलाइजा, HAI CFT, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, वायरस आइसोलेशन भी कराते हैं हम, RT PCR भी करा सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में देखा जाए तो देखिए कोई एंटीवायरल तो अभी बनी नहीं है लेकिन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न किया जा सकता है क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो प्लेटलेट्स आर्टिफिशियली दी जाती हैं और
प्लाज्मा लॉस जो होता है उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है, और मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस जो होता है उसको भी करेक्ट किया जाता है। प्रिवेंशन में तो यही है कि हम मॉस्किटो कंट्रोल कर सकें, हम अपने एनवायरनमेंट को मॉस्किटो फ्री बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इससे पहले और भी वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, तो आप अरबोवायरस में और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।